अपनी बीवी से तंग आकर युवक निली कोर्ट की शरण, लगाई इंसाफ की गुहार। रामपुर के थाना शाहबाद क्षेत्र के सैफनी निवासी मोहम्मद आरिफ 24 पुत्र कल्लू ने अपने बीवी से तंग आकर कोर्ट की शरण ली है, जिसमें उसने इंसाफ की गुहार लगाई है। मोहम्मद आरिफ ने बताया कि उसकी शादी दिनांक 11 नवंबर 2018 को तरन्नुम के साथ मुस्लिम रस्म व रिवाज के अनुसार शरीयत मोहम्मदी के तहत ग्राम सैफनी थाना शाहबाद जिला रामपुर में कराई गई थी। शादी के बाद से ही सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ दिन बीत जाने के बाद उसकी पत्नी के व्यवहार में अजीब से बदलाव आने लगे, जिससे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कलह रहने लगी। इतना ही नहीं, कलह रहने के कारण बात इतनी बढ़ गई कि उसकी बीवी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई, जिसे बुलाने के लिए उसने काफी कोशिश की, लेकिन वह युवक के घर वापस नहीं आई। युवक का कहना है कि क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। क्या मामला है, पूरी बात बताइए। मामला क्या है सर, मेरी बीवी मेरे को बहुत परेशान करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर वालों को चढ़ाव में रहती है, मेरी बात कम मानती है, घर वालों को ज़्यादा मानती है, मेरे पास कम रहती है, उनके पास ज़्यादा रहती है। लेकिन इस सारी जड़ एक है, उसकी जड़ ये है, उसने मेरे से शादी के बाद में 2.5 लाख रुपए की डिमांड की थी। बोले मेरे पापा पे कर्जा, आप उनको पैसे दे दो। तो मैंने कर्जा तो मुझ पर भी है, मेरे भी आला से नहीं है भाई, शादी वादी तो मैंने भी करी है। फिर बोली क्यों नहीं दोगे आप? मैं बोला जब हो जाएंगे तब दे देंगे, ये करके मैंने उसको शांत कर दिया। ठीक है, उसके बाद में वो ज़्यादा आने जाना करा। हमारे ससुर भी जो आते हैं, अपनी बीवी हमारी बीवी के पास बैठते हैं, ज़्यादातर उनके कहने में रहती है, मेरे कहने में कम। मैं कहता हूँ यहाँ पर ज़्यादा रहो तो ज़्यादा वहाँ पर रहती है वो। फिर कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में गाड़ी भी मेरी मुझसे छीन ली, कहने लगे पैसे दे देंगे, अभी तक उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। उसके बाद में फिर मेरी बीवी को जबरदस्ती ले गए, जिसमें कि मैंने उनको मना किया था अपने ससुर साहब से और अपनी बीवी से भी, लेकिन वो जबरदस्ती चली गई घर छोड़ के। उसके बाद में 2 महीने बाद पंचायत जुड़ी, फिर वहाँ पर फैसला किया प्रधान जी ने, 18 तारीख में, अप्रैल की 18 तारीख में फैसला हुआ। और फरवरी की 25 तारीख को वो सारे लोग ले गए थे आके जबरदस्ती, जिसमें कि हमारे भिट्टू भाई हैं, सगीर ताऊ हैं, हमारे ससुर साहब हैं बब्बू, और हमारे आसिफ भाई चांदी बाजी बरेली की, इन्होंने सारे जनों ने वहाँ पर गाली बजी, जबरदस्ती ले गए। फिर अभी ये पंचायत में फैसला हुआ तो भेज दिया। उसके बाद में 19 तारीख में मैं लेके आया प्रधान जी के साथ लेके आया 19 तारीख में। तो हमारे ससुर जी ने कहा जो जेवर है वो पहनना मत, ठीक है, ये करके प्रधान जी ने थोड़ी उनसे बात हुई, हम उसको लेके आए अपनी बीवी को, आराम से रहे 19 तारीख में रहे। फिर 22 तारीख में मैं जो सोता हुआ रह गया, वो मेरी बीवी पूरा घर खाली करके चली गई, जिसमें क्या 11.5 तोला सोना था और क्या बोलते हैं 5 लाख रुपया कैश था। जब मैंने उसको ढूंढने के लिए निकला तो सारे मोर्चे घेर रखे थे, हमारे साले साहब आसिफ भाई और तालिब भाई और ताहिर भाई साहब, ये हमारे तीनों साले, इन्होंने सारे मोर्चे घेर रखे थे, और भी इनके साथ थे करीब 100-200 आदमी थे जो पूरी सेफनी में जगह जगह चौराहे पर मुझे घेर रखा था। फिर भी मैं चौकी में पूछा, तो चौकी में गया तो डायरेक्ट मुझसे इंचार्ज साहब ने पूछा, बोले भाई क्यों भागा फिर रहा है, क्यों मारा तूने इसको? मैं बोला सर मैंने तो मारा नहीं है, ये घर पे जाने के लिए कह रही थी, मैंने उसको रोका, क्योंकि वो मेरे सास ससुर के साले साहब के और सबसे ज़्यादा भिट्टू भाई के चढ़ाव में है, ये करके। फिर इंचार्ज साहब ने मेरी मदद करी थोड़ी, उनसे किया क्या कहते हैं आप दोनों अकेले में बात कर लो, मैंने उसको अकेले में बात करी, भाई जो हुआ वो ख़त्म कर और मैं तुमको लेना चाहता हूँ। मेरी बीवी ने मुझसे साफ मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती,